हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैल्सीटास D3 ड्रॉप के बारे में, जो कि छोटे बच्चों के लिए होती है। बहुत ही फायदेमंद है ये ड्रॉप और कई सारे प्रॉब्लम में यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह कैल्सीटास D3 ड्रॉप जो कि इंटास कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 98 रुपए है, जो कि 15 ml के पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन D3 कैली कैल्सीफ्रोल, और इधर को देखते हैं विटामिन D3 IP 800 IU कैली कैल्सीफ्रोल। दोस्तों कैल्सीटास D3 ड्रॉप जो कि बच्चों का सबसे बढ़िया ड्रॉप है और काफी अच्छा रियल दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस ड्रॉप को। नंबर 1, दोस्तों इस ड्रॉप को छोटे बच्चों को यूज करवाया जाता है। नंबर 2, कैल्शियम की कमी हो। नंबर 3, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है ये ड्रॉप। नंबर 4, विटामिन D3 कमी हो तो उसको पूरा करने में इस ड्रॉप का यूज करवाया जाता है बच्चों को। अगर बच्चों को विटामिन D3 कमी हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि ग्रोथ होने में कमी हो सकता है, शरीर का विकास रुक सकता है, लंबाई ग्रोथ होने में दिक्कत हो सकता है और भी कई सारे प्रॉब्लम हो सकता है अगर विटामिन D3 कमी हो बच्चों को तब। तो दोस्तों इस कंडीशन में डॉक्टर विटामिन D3 का यूज करवाते हैं बच्चों को, जो कि ये प्रॉब्लम ना हो सके बच्चों को। नंबर 5, दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है ये ड्रॉप। अब दोस्तों किसी के माइंड में ये सवाल होगा कि छोटे बच्चों को दांत तो निकलते ही नहीं है, जबकि 6 महीने 7 महीने 8 महीने में बच्चे के दांत निकलते हैं, तब उस समय जो तकलीफ होती है बच्चों को वो नहीं होगा दांत निकलने में, तो ये फायदे होते हैं इस ड्रॉप के। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में यूज कैसे करें। तो दोस्तों इस ड्रॉप को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बेबी को कंडीशन को देखकर यूज करवाते हैं, मतलब डोज को फिक्स करते हैं। बट आपके जानकारी के लिए बता दूं, 0 से 6 महीने के बच्चों को 0.5 ml दे सकते हैं दिन में एक बार। कैसे देना दोस्तों? 0 से 6 महीने बच्चों को 0.5 ml देना है दिन में एक बार, और 6 महीने से 1 साल तक को 1 ml देना है दिन में एक बार। तो आप इस तरह यूज करवा सकते हैं बच्चों को। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस ड्रॉप के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि रैशेज, वॉमिटिंग, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस ड्रॉप का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारा वीडियो कैल्सीटास D3 ड्रॉप के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया ड्रॉप है और काफी अच्छा रियल दिया गया है। और दोस्तों इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, कैल्सीटास D3 ड्रॉप और कैल्सीटास D3 कैप्सूल भी अवेलेबल है, जो कि ड्रॉप बच्चों के लिए है और कैप्सूल एडल्ट बड़े के लिए होती है, तो बड़े के लिए भी यही फायदे हैं, तो बड़े भी यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। और दोस्तों इस ड्रॉप में और इस कैप्सूल में और भी कई कंपनी की अवेलेबल है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। ड्रॉप और कैप्सूल एक ही है, बट अलग अलग कंपनी की, वर्क एक ही करेंगे, काम एक ही करेंगे दोनों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।